लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने आज ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास उपक्रमों का जायजा लिया। स्थानीय नेताओं के साथ विधायक ने दौरे की शुरुआत दीवा जेटी और जैव विविधता केंद्र से की, जिसके बाद उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। विधायक गणेश नाइक ने ऐरोली काटई एलिवेटेड कॉरिडोर, उसका टनल, निर्माणाधीन अग्निशमन केंद्र और विधायक निधि से स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी दौरा किया। उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के कारण मंद पड़े और अधूरे विकास उपक्रमों का निर्माण शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज ऐरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कई विकास उपक्रमों में भेंट देकर कार्य स्थितियों का जायजा लिया। दीवा जेट्टी और जैव विविधता केंद्र से अपने दौरे की शुरुआत करते हुए गणेश नाइक ने सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर स्थल का दौरा किया, जिसे मनपा आयुक्त ने 30 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। गणेश नाइक ने सेक्टर 15 में ऐरोली काटई एलिवेटेड रोड और उसका टनल कार्य, सेक्टर 3 में अग्निशमन केंद्र का कंस्ट्रक्शन, ऐरोली जंक्शन पर बन रहे सबवे और राजमाता जिजाऊ हॉस्पिटल में विधायक निधि से तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी मुआयना किया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मेयर सुधाकर सुनावने के प्रभाग में हाईवे पर बन रहे अंडरपास समेत कई विकास कार्यों का भी जायजा लिया। गणेश नाइक का सबसे अधिक जोर 9 वर्षों से अधर्म में लटके बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के निर्माण पर रहा। उन्होंने ऐरोली काटई उन्नत मार्ग को लेकर भी अधिकारियों से ब्यौरा मांगा और जरूरी निर्देश दिए। दौरे का उद्देश्य बताते हुए पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण ऐरोली क्षेत्र के बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक, ऐरोली एलिवेटेड कॉरिडोर समेत इन कई विकास उपक्रमों का काम बेहद मंद गति से चल रहा है। इसमें देरी से जनता को मिलने वाली सुविधा में भी देरी हो रही है, इसलिए सभी उपक्रमों का कार्य जल्द पूरा होना चाहिए। जैसे पहले यहाँ के पहले प्रथम विधायक संदीप नायक ने 50 लाख का निधि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक के लिए दिया था, आज मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे आमदार निधि से 50 लाख का निधि ये स्मारक के लिए मैं जाहिर कर रहा हूँ और जल्दी वो महापालिका के अकाउंट में जमा करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को मैं पत्र लिख। अभी दीवा गाँव में जो जेटी है, वो जेटी के को भी हम लोगों ने विजिट किया, उधर देखा तो वहाँ की जो परिस्थिति है बहुत भयानक है। जब हाई टाइड आते हैं यानी भर्ती आती है उस टाइम में लोग जा सकते आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद में 1-2 घंटे के बाद में फिर से कार्यक्रम जीरो हो जाता है। मैंने उनको सूचित किया है कि भाई जहाँ पे 24 आवर्स बोट से यानी छोटे बोट से पड़ाव से लोग आया जाया करेंगे, ऐसी वहाँ तक सॉलिड जेटी बनाओ, फ्लोटिंग जेटी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, वो काम में आने वाली नहीं। साथ ही साथ उधर शौचालय का बंदोबस्त, उधर पानी पीने का बंदोबस्त, वहाँ पे दीवा बत्ती का बंदोबस्त, आगे चल के यदि फिशरमैन लोग गहरे समुद्र में जाए तो वहाँ से यदि फिश लाए तो रखने के लिए भी कोल्ड स्टोरेज का भी बंदोबस्त, और वो जेटी के लिए भी 25 लाख का मैंने अनाउंसमेंट किया कि आमदार फंड से दिया जाएगा, और फिर जैव विविधता जो सेंटर है उसके लिए 25 लाख का आमदार फंड से वहाँ पे निधि देने का मैंने जाहिर किया है। सीमेंस कंपनी का इलाका है, जिस इलाके से ऐरोली से लेके पारसिक जो पहाड़ है वो पहाड़ को टनल करके काटे की ओर एलिवेटेड जो ब्रिज बन रहा है उसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है।
लास्ट टाइम में मैं जब अधिकारियों से मिला था तो उनको मैंने बोला था कि ये थाने बेलापुर रोड से जाने वाले लोग यदि वो अमरनाथ की ओर जाना चाहते हैं तो उनके लिए आम होना चाहिए, मीन्स वहाँ के वैसा रास्ता बनाना चाहिए, जॉइंट तो देना चाहिए। साथ ही साथ ये थाना बेलापुर रोड से मुंबई की ओर जाने की किसकी इच्छा होगी तो उधर भी आम होना चाहिए, उधर भी रास्ता बनना चाहिए। प्रिंसिपली उन्होंने कबूल किया था, महापालिका ने 36 करोड़ रुपए का खर्चा MMRDA को देने का कबूल किया, शायद वो देने के दिया भी होगा। तो वो प्रश्न अभी मैंने उनको बोला कि भाई टेंडर निकालो और टेक्निकली कैसा बना रहे हैं हमको दिखाओ कौन से जगह से, तो वो लोग आज नहीं दिखा पाए, तो मैंने उनको एक महीने का मुदत दी है। साधारणपण अपन एक दीड महीने पूर्व हॉस्पिटल विजिट के लिए होती है, त्यावेळा इथे चुनाबिना मारून मार्किंग सुरू झालं होतं आणि दीड महिन्यानंतर आज आलो तर आज ऑक्सिजन प्लांट त्याचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे, बाजूला जनरेटरचं पण फिक्सेशन झालेलं आहे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन बाकी आहे। दिवाळीच्या दिवशीच सदर आसपास याचं उद्घाटन होईल, याकरता 1 कोटी रुपये आमदार निधीतून मी दिलेले आहेत। जर गरज पडली तर आणखी निधी पण आपण देऊ आणि जर का इथे जर तेवढंच कन्झम्पशन नाही झालं तर सिलेंडर फिलिंग करून अन्य आपल्या छोट्या छोट्या असलेल्या हॉस्पिटलच्या युनिट्स आहेत त्या ठिकाणी इथून ऑक्सिजन जाईल। विधायक गणेश नाईक के इस काफिले में ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाईक, पूर्व मेयर सुधाकर सोनाव ने, वरिष्ठ पदाधिकारी अनंत सुतार समेत कई नगर सेवक भी शामिल थे, जिनके साथ लोक नेता गणेश नाईक ने एक साथ तमाम उपक्रमों की कार्य स्थितियों का आकलन कर उन्हें शीघ्रता के साथ पूरा करने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।